हेलो एवरीवन आज के वीडियो लेक्चर में हम फायरवॉल के टॉपिक को ही आगे कंटिन्यू करेंगे और डीएमजी नेटवर्क्स के बारे में पढ़ेंगे अब डीएमजी नेटवर्क्स की क्यों ज़रूरत पड़ी थी वो भी हम देखेंगे इस वीडियो में और डीएमजी एम नेटवर्क से क्या फ़ायदा होता है क्या एडवांटेजेस हैं वो भी हम इसमें पढ़ेंगे अब देखिए डी एम जी जो है वो बहुत ही पॉपुलर है जबकि हम फायरवॉल आर्किटेक्चर के बारे में बात करते हैं और डी एम नेटवर्क्स की ज़रूरत कब पड़ती है जब एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने पूरे नेटवर्क में से किसी एक पर्टिकुलर सर्वर को पब्लिक के लिए अवेलेबल कराना होता है तो उस टाइम पे हमें डीएमजी जी नेटवर्कस की जरूरत पड़ती है और डी एम जी में तीन डिफरेंट नेटवर्क के इंटरफ़ेसेस हैं सबसे पहला इंटरफेस जो है वो है डेट कनेक्ट्स टू द इंटरनल नेटवर्क जो सेकेंड इंटरफेस है डेट कनेक्ट्स द एक्सटर्नल पब्लिक नेटवर्क और जो थर्ड इंटरफेस है डेट कनेक्ट्स टू द पब्लिक सर्वर्स और यही हमारा डीएमजी नेटवर्क होता है बेसिकली जो पब्लिक सर्वर से कनेक्शन की परमिशन देते हैं अब देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो डीएमजी नेटवर्क्स है इसकी जरूरत क्यों पड़ी अब आप एक सीनारी को सीनारियों को आप एक बार विजुलाइज़ कीजिए जिसमें हमें एक सिनारियो है सपोज मेरे पास जिसमें मेरे पास एक इंटरनल नेटवर्क है यहाँ पे सपोज लाइक दिस ये मेरा वेब सर्वर है और मैं इस वेब सर्वर को पब्लिक के लिए ओपनली एक्सेसिबल बनाना चाहता हूँ अब नॉर्मली क्या होता है नॉर्मली हमारे पास सिर्फ एक फायरवॉल होती है वी हैव ए फायरवॉल वो फायरवॉल नेटवर्क से कनेक्टेड होती है इंटायर नेटवर्क से लाइक दिस एंड देन वी हैव दिस इंटरनेट एंड वेरियस सिस्टम्स ऑन द इंटरनेट सो जनरली हमारा जो एक नेटवर्क है वो ऐसे ही काम करता है ये मेरे पास फायर वॉल है अब देखिए होता क्या है नॉर्मली हम क्या करते हैं अगर मुझे अपने वेब सर्वर को इन सिस्टम्स के लिए एक्सेसिबल बनाना है दैट मीन्स आई हैव टू रिस्ट्रिक्ट ऑल द ट्रैफिक थ्रू दिस फायर वॉल एक्सेप्ट ट्रैफिक फॉर पोर्ट नंबर एट्टी अब अगर मैंने ऐसा किया क्योंकि जो वेब सर्वर है उस पर मैं सिर्फ वही ट्रैफिक को लाना चाहूँगा जो पोर्ट नंबर एट्टी के लिए है अब अगर मैंने ऐसा कर दिया तो जितना भी ट्रैफिक है जो ईमेल के लिए आ रहा है जो ट्रैफिक ईमेल के लिए है सपोज या फिर एफ के लिए आ रहा है फॉर दिस पर्टिकुलर सर्वर्स वो ट्रैफिक इस फायरवॉल से पास नहीं कर पाएगा क्योंकि ये फायरवॉल पोर्ट नंबर एट्टी को ही अलाउ कर रही है अब अगर मैं इस फायरवॉल में पोर्ट नंबर एट्टी का कंसेप्ट ना डालूं और इसमें सबके लिए अलाउ कर देता हूं मैं इसे तो उससे क्या प्रॉब्लम है कि जो ट्रैफिक एफटीपी के लिए डेजिग्नेट ओरिजिनेट हुआ था वो भी अब इसको एक्सेस कर लेगा विच इज़ नॉट द करेक्ट और द सिक्योर्ड ऑप्शन ऑफ एक्सेसिंग है वेब सर्वर तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने डी एम जी नेटवर्क बनाए रिस uh, ने डी एम जी नेटवर्क्स बनाए और जो डी एम जी नेटवर्क्स है उसमें दो फायर वॉल्स यूज होती है वन फायर वॉल इज बिटवीन एक्सटर्नल नेटवर्क एंड द डीएम जी सो यू कैन राइट हेयर वन फायर वॉल इज बिटवीन एक्सटर्नल नेटवर्क एंड डी एम जी एंड अनदर फायर वॉल इज बिटवीन डी एम जी एंड इंटरनल नेटवर्क और जितने भी पब्लिक सर्विस हैं दोज आर प्लेस इन द डीएम जी जोन सो दिस इज द आर्किटेक्चर ऑफ द डी एम जी नेटवर्क दिस इज इंटरनेट ये फायर वॉल वन है दिस इज फायर वॉल टू एंड दिस इज द इंटरनल नेटवर्क अब मैंने क्या कहा कि एक फायर वॉल है बिटवीन एक्सटर्नल नेटवर्क एंड डीएम जी तो एक्सटर्नल नेटवर्क इधर है मेरे पास तो हम क्या करते हैं दिस इज द डीएम जी जोन किस किसके बीच में दोनों फायर वॉल्स के जो बीच का जोन है वो हमारा डीएम जी जोन होता है और इस जोन के अंदर हम अपने पब्लिक सर्वर्स को प्लेस कर सकते हैं सो दिस कैन बी माय पब्लिक सर्वर तो ये पब्लिक सर्वर है जिसको अब हमने डीएमजी जोन के अंदर रख दिया है और उसके बाद एक इंटरनल फायरवॉल है जो इंटरनल नेटवर्क के लिए होती है तो इस तरह से अब हम क्या करते हैं अपने जो पैकेट्स हैं उनको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि जो पब्लिक सर्वर के लिए ओरिजिनेट हो रहे हैं उसमें कुछ फिल्टर क्राइटेरिया है और जो इंटरनल नेटवर्क के लिए कंसिडर हो रहे हैं उसमें कुछ और फिल्टर क्राइटेरिया है सो विद विध द डीएम जी सेटअप इट इज़ पॉसिबल टू हैव फायर वॉल रूल्स विच अलाउ पब्लिक एक्सेस टू द पब्लिक सर्वर बट द इंटरनल फायर वॉल कैन रिस्ट्रिक्ट ऑल इनकमिंग कनेक्शंस बाय हैविंग द डी एम जी द पब्लिक सर्वर आर प्रोवाइडेड विद एडिक्वेट प्रोटेक्शन इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग दैम डायरेक्टली ऑन द एक्सटर्नल नेटवर्क कि डायरेक्टली अगर मैं इस पब्लिक सर्वर को इस फायरवॉल के इधर रख दूंगा एक्सटर्नल नेटवर्क पे उससे बेटर है कि मैं पब्लिक सर्वर को एक डी जोन के अंदर रखूं और इसके अंदर कुछ एडिकुएट रूल्स को अप्लाई कर दूं ताकि पब्लिक सर्वर मेरा सिक्योर रहे सो दिस इज़ अबाउट द डी एम अब डी नेटवर्क का जो एडवांटेज है वो है विद द डी नेटवर्क इट इज़ पॉसिबल Give access to any service on the DMZ, or it is possible to restrict any service on the DMZ. So the advantage of DMZ is access to access to any service on the DMZ can be restricted. विदाउट एफेक्टिंग द इंटरनल नेटवर्क तो इंटरनल नेटवर्क को अफेक्ट किए बिना हम डीएमजी जोन की सर्विसेज को चेंज कर सकते हैं सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ डीएमजी थ्री डिफरेंट इंटरफेसेस, द आर्किटेक्चर एंड द एडवांटेजेस ऑफ डीएमजी। Thank you for watching the video. Please subscribe to my YouTube channel for more tutorials on network security and other computer science related subjects. Thank you.